कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन्स मैम कांग्रेचुलेशन्स फॉर गेटिंग इन टू आई एफ एस दिस टाइम थैंक यू सो मच थैंक यू मैम प्लीज़ टेल मी अबाउट यूर एक्सपीरियंस फॉर प्रिलिम्स एंड हाउस आर हेल्प यू थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक एनीबडी हुए स्टार्टिंग प्रेपरेशन शुड नॉट बी एमिंग जस्ट फॉर फिल्म और जस्ट फॉर मेन्स और जस्ट फॉर इंटरव्यू वेन एवर यू स्टार्ट योर प्रेपरेशन इट शुड ऑलवेज बी विद दी आइडिया कि मेरे को मेन्स निकालना है एंड अगर मेन्स के लायक तैयारी हो गई तो फिर प्रम अपने आप निकलेगा ही निकलेगा

जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था तो द नंबर ऑफ मॉक्स दैट आई गेव वॉज वेरी वेरी लेस मतलब मैंने शायद गिन के दस या पंद्रह मॉक्स दिए थे एंड आई डिन नॉट गिव इनफ इम्पोर्टेंस टू रिविजन इधर तो सर का जो मेन मुझे एडवाइस था वो यही था द नंबर ऑफ मॉक्स दैट यू अटैम्प्ट विल मेक ऑल द डिफरेंस सो दिस सीयर द नंबर ऑफ मार्क्स दैट आई गेव वॉज अराउंड सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव एंड आई मेड श्योर दैट आई रिवाइज ऑल ऑफ दैम एटलीस्ट वाइस वन एवर गिव अ मॉक हमारा एम ये नहीं होना चाहिए कि हम लोगों ने कितने मार्क्स स्कोर uh, करें एम uh, ये होना चाहिए कि कौन से छूट गए बिकॉज जो आ गया वो तो आ गया सो आई थिंक ये एक लाइन ऐसी है जो मुझे अमित uh, सर ने बताई थी एंड अमित गर्ग सर की वजह से आई थिंक ये चीज़ मैंने ध्यान में रखी वेन आई गिव द मॉक्स द नेक्स्ट टाइम सो दैट इज वन मेजर थिंग फॉर फिलिम्स मैम द सर इज गुड टीचर ऑफ जोग्राफी ऑप्शनल मैम हाउ मैपिंग हाउ ही हेल्प यू इन सिंस द मैपिंग इज बिकम वेरी मच इम्पोर्टेंट नाउ इट इज हाउ ही हेल्प यू इन इन मैपिंग डज ही हेल्प यू अबाउट दैट आई थिंक फिल्म्स स्पेसिफिक टॉकिंग अबाउट मैप्स स्पेसिफिक टू प्रिलिम्स वी सी के कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको चार जगहों के नाम दे दिए एंड यू हैव टू टेल ईस्ट टू वेस्ट वेस्ट टू ईस्ट नॉर्थ टू ईस्ट जो भी सो आई रिमेंबर जो भी सर के नोट्स थे मेरे पास एंड जो भी सर ने बताया था वो उन्होंने मुझे कॉन्टिनेंट स्पेसिफिक ही बताया था दैट वेनएवर यू डूइंग अफ्रीका आपको ऐसे करना है एशिया ऐसे करना है सो आई थिंक कॉन्टिनेंट स्पेसिफिक आप फोकस रख के चलिए एंड यू कैन ऑलवेज लुक एट फिजिकल फीचर्स ऑफ द जोग्रफी एंड ऑल ऑफ दैट continent wise if you are covering it continent wise it's very beneficial ma'am uh, since for mains uh, there are a lot of uh, subjects ma'am uh, please tell us the st your strategy about uh, gs1 gs2 gs3 and gs4 and how uh, search contribution help you in getting this

डोंट पैनिक पहले उसमें आप अपना टाइम डिवोट करो अपना आउटलाइन चॉकआउट करो उसके बाद आप आंसर्स लिखना शुरू करो सो दैट वॉज द बिगेस्ट एडवाइस दैट हेल्प्ड मी इन एस एम गोइंग पेपर वाइज स्पेसिफिकली आई थिंक जी एस वन में द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई फेस वॉज इन आर्ट एंड कल्चर आई डिन नॉट लाइक द सब्जेक्ट एंड आई डिन नॉट लाइक रीडिंग इट एट ऑल तो द फर्स्ट क्वेरी दैट आई एवर केम विद टू अमित सर वॉज दिस के सर आर्ट एंड कल्चर नहीं हो रहा है सो आई थिंक उनकी यही एडवाइस थी कि आप नितिन सिंह आनिया पढ़ो एंड डोंट रीड द बुक कवर टू कवर एंड द सेकेंड थिंग दैट आई डिड वॉज दैट आई लिंक माई हिस्ट्री नोट्स विद माई आर्ट एंड कल्चर नोट्स ताकि मुझे दो अलग अलग सेट ऑफ नोट्स ना पढ़ने पड़े एंड आई एम एबल टू लिंक द टू एंड यू नो राइट एन आंसर अकॉर्डिंगली जी एस टू लक्ष्मीकान्त थ्रू एंड थ्रू उसको तो छोड़ना ही नहीं है दिस सी आर इफ यू एनालाइज द पेपर डायरेक्टली क्वेश्चन आए हैं सेम गोज फॉर जी एस थ्री जी एस फोर में आई माई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स केस स्टडीज दैट वॉज माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्योंकि वो आपको पता है आएंगी ही आएंगी तो आई वुलजेस्ट दैट फॉर जी एस फोर यू शुड पुट अ लॉर्ड ऑफ एम्फोसिस ऑन केस स्टडीज जैसे मैंने अभी कल सर की uh, वीडियो देखी थी यूट्यूब पर तो सर ने बताया था कि पेपर uh, पेपर टू में वो ड्यूरिंग हिज प्रिपरेशन टाइम ही वॉज ऑल इंडिया टॉपर ऑफ पेपर टू सो हाउ स्पेसिफिकली फॉर पेपर टू सर हेल्प यू इन गाइडिंग टू गेट गुड मार्क्स इन पेपर टू आई थिंक पेपर टू में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ें होती हैं कि पहले तो आप अपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर रखिए जो लक्ष्मीकांत में है अगर आपको वो नहीं आया देन नोबडी कैन फू गिव यू यू विल नॉट बी एबल टू गिव योर तो वो तो आपको करना ही करना है उसके बावजूद उसके अलावा यू शुड पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू इंटरनेशनल रिलेशन एंड सिक्योरिटी के करंट अफेयर्स सिक्योरिटी पेपर थ्री है बट इट ऑल्सो हैज एन इम्प्लीकेशन इन टू एंड आपकी गवर्नमेंट की स्कीम्स डिफरेंस बिटवीन प्रिलम्स एंड मेन्स की गवर्नमेंट स्कीम्स इज दैट प्रिलिम्स में आपको गवर्नमेंट स्कीम्स की डिटेल्स पता होनी

आई रिमेंबर वैन आई कॉल्ड सर विद माई मेन्स रिजल्ट आई वॉज आई वॉज नॉट इन डेली एंड उन्होंने मुझे यही कहा था कि अब बस लास्ट वो है अब होने वाला है जो है सो आई थिंक वैन आई केम बैक एंड आई मेट सर उन्होंने मुझे uh, सबसे पहले तो यही बोला था कि यू आइडेंटिफाई आपके डैफ के थ्रू वट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज जहाँ पर आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे वी बोथ सैट डाउन वी चॉकड आउट दीज एरियाज हरियाणा डेली गर्ल्स स्कूलिंग ऑल ऑफ दैट जो भी मेरे फॉर्म में था एंड वी डिड सेशन्स ऑन ईच

एम एंड वन लास्ट फाइनल पीस ऑफ एडवाइस टू ऑल द एस्पिंट्स हु आर प्रिपेरिंग फॉर यूपीएससी प्लीज टेल एस आई थिंक स्ट्रैटेजी की एडवाइस बहुत सारे लोग ऑलरेडी देते हैं एंड पीपल हैव बाय ना ऑलरेडी क्रैक द स्ट्रैटी सो द ओनली एडवाइस दट आई विल गिव इज इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन आप uh, एक बार अपना गोल सेट करो एंड देन यू फाइंड वेज एंड थिंग्स दैट मोटिवेट यू टू गेट देर फॉर मी इट वॉज लुकिंग एट पिक्चर्स ऑफ लबासना एंड यू नो सींग एवरीबडी हैविंग फन इन लबासना एंड थिंकिंग ओ गॉड वेन आई माई गुण गो देर तो दट इज वट कैप मी मोटिवेटेड नोइंग दट आई देर इज अ पर्टिकुलर सर्विस आई वॉन्ट टू बन ऑल्सो हेल्प अ लॉट सो आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट कि आप वोक कीजिए एंड यू वर्क फॉर योर गोल्स एवरीबडीन गेट देर थैंक यू मैम थैंक यू फॉर गाइडिंग अस इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस थैंक यू मैम